अंडा बॉईल करेंगे। नमक, अंडा पूरा छिलका निकाल दिया दोस्तों। अब इसका कटिंग करेंगे चार टुकड़ा में स्टेप का, दोनों साइड में करेंगे स्टेप से, इसी तरह से सब कर लेते हैं। कटिंग कंप्लीट हो गया है, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। अब सभी को मिला देना है। अब अंडा फ्राई करेंगे दोस्तों। तो अंडा मेरा फ्राई हो गया है दोस्तों, अब चलिए इसको उतार लेते हैं। चलिए दोस्तों मसाला रेडी करते हैं। तो मसाले के लिए देखिए गोलकी लिए हुए हैं जिसको काली मिर्च कहते हैं, और ये है खड़ा धनिया, जीरा, इसमें खड़ा गरम मसाला लिए हैं जिसमें दालचीनी है, बड़ा इलायची, छोटा इलायची और लौंग सभी को, और थोड़ा सा जावित्री सभी को डाल करके इसमें फ्राई कर लेंगे, और सूखी लाल मिर्च। सभी को भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं, दो से तीन मिनट तक भूनेंगे इसको। तो मसाला हो गया ठंडा, अब चलिए मसाला को पीस लेते हैं। और डालेंगे इसमें लहसुन, अदरक और एक छोटा सा प्याज, और इसी में डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। मसाला रेडी हो गया, आज कुकर में बनाने वाले हैं अंडा का सब्जी। सरसों का तेल, खड़ा जीरा, तेजपत्ता, हींग, हरा मिर्चा, प्याज, प्याज फ्राई हो गया है। अब जाए इसमें डालेंगे पेस्ट मसाला का। और इसी के साथ डालेंगे मसाला पानी, जो मसाला इसमें था इसमें धो करके डाल दे रहे हैं। अब टमाटर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी, मसाला फ्राई हो चुका है। डालेंगे थोड़ा सा पानी, ढक्कन बंद करेंगे और एक सीटी लगा देंगे ढक्कन बंद करके।
अब इसमें अंडा डालेंगे दोस्तों। अब ढक्कन बंद करेंगे और फिर से एक सीटी और लगाएंगे इसमें। अंडा सब्जी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।